हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे आईक्यू G3 5G में और सैमसंग गैलेक्सी M42 5G में और देखते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो बात करते हैं डिस्प्ले से। आईक्यू की है 6x58 इंच की रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल और स्क्रीन IPS LCD डिस्प्ले। सैमसंग का जो डिस्प्ले है वो है 6x6 इंच की रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले। आईक्यू की में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, सैमसंग में 60Hz का, और डिस्प्ले क्वालिटी में आईक्यू बेस्ट है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो आईक्यू का है स्नैपड्रैगन का 768G 5G का CPU 2.8 GHz ऑक्टेकोर का और 7 nm का फिनफेट, और सैमसंग का जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का है 750G 5G का CPU 2.2 GHz ऑक्टेकोर का और 8 nm का फिनफेट, और प्रोसेसर के मामले में आईक्यू बेस्ट है। बात करते हैं बैक कैमरे की, आईक्यू का है ट्रिपल जो मेन कैमरा 64 MP का, फिर 8 का फी 2 का, सैमसंग का क्वाड में जो मेन है 48 का, फिर 8 का, फिर 5 का, फिर 5 का। बात की जाए फ्रंट कैमरे की, आईक्यू का है 16 का, सैमसंग का है 20 का। और बात करते हैं बैटरी की, आईक्यू में है 4400 mAh की और सैमसंग में है 5000 mAh की, और दोनों फ़ोन की बैटरी नॉर्मल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। और आईक्यू में चार्जर है 55 वाट का और सैमसंग में 15 वाट का, दोनों में टैप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर फेस लॉक मिल जाता है, दोनों में आपको ट्रिपल सिम नहीं मिलती, दोनों की वारंटी है 1 साल की और कनेक्टिविटी है 5G की, दोनों में रैम सेम है 6GB और 8GB की, दोनों की मेमोरी है 128GB की, दोनों में आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है। बात करते हैं प्राइस की, तो आईक्यू का एक्सपेक्टेड है 20,999 रुपये, सैमसंग स्टार्टिंग है 21,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको दोनों में से कोई फ़ोन लेना है तो आप आईक्यू के साथ जा सकते हो, ये बेस्ट है।